फटाके 20 तारखेला पण पाहिजे आणि 23 तारखेला पण बाकी ठेवा। 23 ला आपल्याला काय फोडायचं आहे? ऍटम बॉम्ब। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। अच्छा विराट सभेला उपस्थित आपले महायुतीचे उमेदवार संतोष शेट्टी, महेश चौगुले, शांताराम मोरे, खासदार नरेश मस्के, प्रकाश पाटील, सुभाष माने, देवानंद थळे, हर्षल पाटील, महेंद्र गायकवाड़, अरुण पाटील, राजू वाघमारे, ज्योतिताई वाघमारे आणि सर्व स्थानिक, आता सगळ्यांची नाव घेत नाही मी, सगळे महायुतीचे नाव घेत नाही कारण एवढा मोठा व्यासपीठ आहे की नाव कुणाची राहून गेली तर त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांना म्हणजे खऱ्या अर्थाने व्यासपीठ पण भव्य दिव्य आहे आणि जनता 5 वाजल्यापासून या ठिकाणी आहे। मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। मनापासून 4 वाजल्यापासून मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। उशिरा या ठिकाणी पर्यंत आपण थांबला, सगळीकडे माणसंच माणसं आहे, बाहेरून येताना पण रस्त्यावर माणसं, इथं पण महासागर आहे लोकांचा, विराट सागर। मला वाटत 20 तारखेला एवढे लोक रस्त्यावर उतरले तर समोरच्या पक्षाचं डिपॉझिट गुल झाल्याशिवाय राहणार नाही। काल भावबीज झाली आहे, आता वर्षातून एकदा भावबीज नाही तर दर महिन्याला भावबीज, दर महिन्याला भावबीज। माझ्या लाडक्या बहिणी इकडं आहे, लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे वर आले का? हात वर करा इकडे। या भी है हमारी लाडली बहन साहब। सगळ्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाले, लाडक्या बहिणींना आता वर्षाला नाही दर महिन्याला माहेरचा आहेर देण्याचं काम आपलं सरकार करणार। माझ्या लाडक्या बहिणी, यामध्ये हिंदू आहेत, मुसलमान आहेत, सगळ्या जाती पातीचे लोक आहेत, क्या मुझे बताओ ये लाडली बहने योजना में हमने कोई फर्क किया है? ये हिंदू बहन को मिलेगा, मुसलमान भाई को बहन को नहीं मिलेगा, ये तमिल को मिलेगा, ये मराठी को नहीं मिलेगा, सभी लोगों को, जाति पाति के लोगों को ये योजना आपके लाडले भाई ने शुरू की है। और ये योजना जो है कुछ लोग बंद करना चाहते हैं, बोले ये क्या भीख देते हो, ये क्या रिश्वत देते हो, ये क्या महिला को खरीद करते हो, ऐसे बोलने वालों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। हमारी लाडली बहना आमच्या लाडक्या बहिणींच्या संसारामध्ये आम्हाला थोडा हातभार लावायचा होता। खरं म्हणजे बोले 1500 में का होता है? अरे तुम्ही 2.5 वर्ष होता तर 1 रुपया पण दिला नाही। आम्ही द्यायला गेल्यावर तुमच्या का पोटात दुखायला लागलं? काही लोक कोर्टात गेले,
कुछ लोग कोर्ट में गए लाडली बहना बंद करने के लिए, कोर्ट ने एक झापड़ तमाचा दे दिया उसको। अब ये नागपुर के कोर्ट में गए, ये महाविकास आघाड़ी बोले ये योजना बंद होनी चाहिए, हमारी सरकार आएगी तो योजना की इंक्वायरी करेंगे बोलते। जो अधिकारी है और जिन्होंने योजना शुरू की उनको जेल में डालेंगे। अरे आपके आपने लाडली बहनों के लिए, ये आपका भाई लाडली बहनों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल में जाने को तैयार है। क्या आप लोग मुझे जेल में जाने दोगे? या ये योजना बंद करने वाले लोग हैं इनको सरकार में आने दोगे? इनकी नियत साफ नहीं है, नियत में खोट है। और अभी हम इतना ही कहते हैं, मराठी हिंदी दोनों चले ना बोला, आपको बताऊंगा तुम्हारा मैं सांतो, सिर्फ आपको 1,500 रुपए में हम नहीं रखेंगे, आप हमारी सरकार की ताकत बढ़ाएंगे तो 1.5 का 2 होगा, 2 का 2.5 होगा, 2.5 का 3 होगा, उससे भी ज्यादा देने के लिए हम कंजूसी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे सभी लाडली बहनों को हमें लखपति हुआ देखने का है, लखपति क्यों नहीं देखेंगे? बोलते कांग्रेस के अध्यक्ष बोले ऐसे रेवड़िया बांटने का काम हम नहीं करेंगे। क्या हमारे पिताजी के पैसे या तुम्हारे पिताजी के पैसे? ये तो आपके पैसे हैं, ये जनता के पैसे हैं, जनता को देना हमारा फर्ज है। पहले लेना बैंक था, अभी देना बैंक है। पहले लोगों ने कहा कि पैसे आने वाले नहीं है, ये झूठे लोग हैं, ये चुनावी जुमला है। जैसे पैसे खाते में आने लग गए तो बोले जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, नहीं तो सरकार निकाल लेगी। अरे क्या बात है, ये देने वाले भाई लोग हैं, लेने वाले नहीं है। हमने 4 नहीं 5 हफ्ते डाल दिए खाते में आपके। हमें मालूम था कि नवंबर में इलेक्शन लग जाएगा, अक्टूबर में, तो इसके पैसे देने के लिए लोग कंप्लेन करेंगे, रोकेंगे, इसलिए हमने अक्टूबर में ही नवंबर के पैसे दे डाले। अभी आपको बताऊंगा, जैसे 20 नवंबर का इलेक्शन खत्म, तुरंत दिसंबर के पैसे आपके खाते में आएंगे। ये देने वाली सरकार है, हफ्ते देने वाली, हफ्ते मेरे बहनों के खाते में भरने वाली सरकार, पहले की सरकार हफ्ते लेने वाली। हफ्ते लेते लेते मंत्री जेल में गए, ये हमारी सरकार मेरे बहनों के खाते में हफ्ते जमा करने वाली सरकार है। बताओ, मैं आपको बताऊंगा 2.5 साल का काम, आप बताओ। महाविकास आघाड़ी का सरकार ने काम बताओ और 2 साल का हम माइटी का काम बताते हैं। होने दो दूध का दूध, पानी का पानी। चलो जनता की दरबार में बताओ तुमने 2.5 साल में काम किया किया, और हम बताते 2 साल में काम किया। खुला डिबेट होने दो, बताओ आप कौन सी तारीख को कहां पे आना है, नहीं तो मैं बताता हूं कौन सी तारीख में कहां पे आना है। हो जाने दो दूध का दूध, पानी का पानी। रिपोर्ट कार्ड देने वाली हमारी सरकार है, रिपोर्ट कार्ड देने वाली, और रिपोर्ट कार्ड देना इसके लिए हिम्मत लगता है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, सिर्फ लाडली बहना नहीं, मेरे लाडले भाइयों की भी योजना हमने लाई है, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, 6,000, 8,000, 10,000 देने वाली ये देश की पहली सरकार है जो अप्रेंटिसशिप लागू कर दी हमने।
2,00,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिए हैं, 1 साल में 10,00,000 लोगों को युवाओं काम नौकरियां देने की बात कर रहे हैं और स्टाइपेंड देने का काम शुरू हो गया। हमारी लाडली बेटियां जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एक मेरी लाडली बेटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 50% भी उसके माता पिता को भरने को हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। उसी दिन ये एकनाथ शिंदे की सरकार, हमारे महायुति की सरकार ने निर्णय लिया कि जो बेटियों को पढ़ना है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एमबीए, फाइनेंस, जो भी बनना है, उसको मुफ्त में सरकार ने मुफ्त में एजुकेशन का निर्णय लिया। ये सरकार का काम है। हमारे लाडली बहनों को 3 गैस सिलेंडर देने का निर्णय हमने लिया है। गैस सिलेंडर आपको दिया लेकिन विपक्ष वाले गैस पे आ गए, अभी गैस पे है वो लोग, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, बोले आप कैसे करेंगे, ये बहना तो सुनने वाली नहीं है। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपने विरोध किया, कोर्ट में गया। ऐसे लोगों को आप चुनाव में जिताएंगे? ऐसे लोगों को तो पहले पूछो, तुम हमारी योजना को क्यों बंद कर रहे थे, तुम हमारी योजना के खिलाफ कोर्ट में क्यों गए, इसका जवाब मांगो। इसके बाद हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से वयोश्री योजना हमने शुरू की, 3,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी होंगे, कुछ छोटा मोटा उनको लेना है तो मिल ले सकते हैं, उसके पैसे भी हम बढ़ाएंगे। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हमने शुरू कर दी, जिसको जाना है शिरडी जाना है, कहीं पर भी जाना है, उन सब लोगों को, किसको अजमेर जाना है, किसको पंढरपुर जाना, किसको अयोध्या जाना है, सभी लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। आज किसानों को, आपके भी लोग जो रिश्तेदार किसान हैं, उनको 7.5 HP की मोटर पंप से खेती करने वालों को बिजली बिल माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया हुआ है। आगे मैं बताऊंगा कि ये जो आपको भी बिल आता है उसमें भी हम यूनिट का स्लैब डालने वाले हैं, जो ज्यादा यूनिट आता है उसमें भी हम करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को भी राहत देने का काम हमें करना है, और इसलिए म्हणून मी सगळ्यांना एवढंच मनापासून शुभेच्छा देतो। मनापासून सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो, माझ्या लाडक्या बहिणींना, पहिला त्यांना लाडके बाजे सावत्र भाऊ आहेत ना, त्यांना पहिला विचारा, तुम्ही आमच्या योजनेमध्ये खोडा घातला, पहिला चांगला जोडा दाखवा त्यांना, दाखवणार ना या विरोधा बताओगे, उनको जवाब पूछोगे, क्या हमको जेल में जाने दोगे? तो ये इतना ही चाहिए मुझे कि ये योजना चालू रहनी है कि नहीं, योजना का पैसा बढ़ाना है और योजना नहीं चालू करना है, नहीं मतलब न्यू, नया, हम तो शुरू करने वाले लोग हैं। और ज्येष्ठ लोकांना पण सांगतो, पंढरपूर वारकरी, आतापर्यंत कधी वारकऱ्यांना अनुदान मिळालं नव्हतं, आपल्या सरकारने वारकऱ्यांना अनुदान दिलं, आज निर्णय घेतला, सरकारने निर्णय घेतला, सरकारने डेव्हलपमेंट केली आहे। आज भिवंडी शहर में रास्ते खराब है, भिवंडी शहर में धोखादायक बिल्डिंगे है। मैं आपको कहता हूँ, ये मेरे तीनों आमदार ये भिवंडी का विकास करेंगे, इसके साथ एकनाथ शिंदे खंडे से खंडा मिलाकर खींचेगा, सब रोड बनाएंगे। धोखादायक बिल्डिंग जो बारिश में गिरती है, लोग मरते हैं, उनका भी विकास करेंगे, पुनर्विकास करेंगे।
जो अभी यहाँ पर जैसे थाने शहर में आप जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं क्या भिवंडी थाने जैसा होना चाहिए? तो भिवंडी को थाने बनाना है तो 20 तारीख को क्या करना है? ये तीनों को जिताना है और कोई भारी काम नहीं है। आपको बताऊंगा, मेट्रो लाना है, किसी को बेघर करके नहीं लाएंगे, किसी को दुकानें तोड़ के नहीं लाएंगे, हम लाएंगे मेट्रो आप सबके प्रगति के लिए, आप सबके उन्नति के लिए। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी एवढंच सांगतो, धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास, रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, हे भिवंडी मध्ये बदल होऊन ठाण्यासारखं शहर आपल्याला बनवायचंय ना, बनवायचं। मग त्यासाठी आपल्याला महायुतीचे उमेदवार निवडून द्यावे लागते, कारण जेव्हा डबल इंजिन सरकार असतं, केंद्र आणि राज्य सरकार, तेव्हा समविचारी डबल इंजिनचं सरकार, डबल इंजिन डबल गॅरंटी। आणि म्हणून मी आपल्याला जास्त काय बोलत नाही, एवढंच आपल्याला सांगतो। अजून काय मुद्दा आहे इकडचा? हा, झोपडपट्टी फॉरेस्ट मध्ये आली आहे, किती वर्षापासून आहे, त्यांना आपल्याला सांगतो झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना या ठिकाणी आपण करूया। कुठल्याही झोपडीला हात लागणार नाही, कुठल्याही घराला हात लागणार नाही, हा एकनाथ शिंदेचा शब्द आहे। आणि म्हणून या राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम आपण करतोय। हे चुनावी जुमला नाही, काँग्रेस आघाडी, महाविकास आघाडी वचन देते है कि ये करेंगे वो करेंगे, कर्नाटक में वचन दिया, चुनाव में जीत गए, बाद में बोलते पैसे नहीं, बोले केंद्र सरकार से पैसे मांगो, ये चुनावी जुमला नहीं है। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो कि या इथे भिवंडी, भिवंडीचा विकास ठाण्यासारखा झाला पाहिजे, भिवंडी प्रदूषण मुक्त झाली पाहिजे, भिवंडी ट्रॅफिक मुक्त झाली पाहिजे। ट्रॅफिक साठी पण पोलीस स्टाफ वाढवण्याची मागणी आहे, तो देखील वाढवला जाईल। आणि मेरी सभी लाडली बहिणों को लाडकी बहीण सुरक्षित बहीण, हे भी आमचा वादा आहे। हमारे लाडली बहनों के बारे में कोई भी गलत सलत बात करेगा तो उसको क्या करेंगे? जो कुछ भी हमारी लाडली बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करेगा उसको क्या देंगे? फांसी की सजा। बदलापुर बरोबर माहित आहे तुम्हाला। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, लाडकी बहीण सुरक्षित बहीण देण्याचं काम आम्ही करू। काही लोक आपल्या बहिणींचा अपमान करतात, त्यांना बिलकुल त्यांची जागा दाखवण्याचं काम माझ्या लाडक्या बहिणी आणि लाडके भाऊ केल्याशिवाय राहणार नाही, हा शब्द मी आपल्याला देतो। आणि म्हणून पुन्हा एकदा, आज राज्याचा विकास सुरू आहे, सगळीकडे प्रकल्प सुरू आहे, उद्योग येत आहे, इंडस्ट्री येते आहे, कल्याणकारी योजना सुरू आहे। आज अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करणारा आपलं राज्य आहे। आज राज्य जीडीपी मध्ये पहिला आहे, इंडस्ट्री मध्ये फर्स्ट आहे, परदेशी गुंतवणुकीमध्ये एक नंबर आहे। आणि म्हणून सगळ्यांना माझी विनंती आहे कि हे एक नंबर कायम रखना आहे ना, कि अपने घर भरने वालों को, अपनी माड़िया बनाने वाले को, अपने बंगले बनाने वाले को वोट देने का है। आम जनता, ये एकनाथ शिंदे, मैं खुद को सीएम नहीं कॉमन मैन समझता हूं, कॉमन मैन। और इसलिए ये आप जो कॉमन मैन है, मुझे कुछ नहीं बनना है,
आपको सुपरमैन बनाना है, इसलिए ये सरकार का पूरा मकसद ये आपके साथ है। इसलिए मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये तीनों लोग हमारे आपका काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। आप सिर्फ 20 तारीख को 5 मिनट का समय दो, आप 5 मिनट का समय देंगे, 20 तारीख को 5 मिनट का वोट डालने का समय देंगे, पक्का देंगे? हाथ ऊपर करो, क्यों करके बताओ, वादा करो। ये लोग हमारे तीनों लोग 5 मिनट के बदले 5 साल आपकी सेवा करेंगे, 5 साल। और आपको पता है मैं शब्द देने के बाद वापस नहीं लेता, मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो खुद की भी नहीं सुनता, ये मेरा वादा है। आज भिवंडी वासियों को मेरा वादा है कि आने वाले समय में ये भिवंडी में बदलाव करेंगे, ये भिवंडी विकास करेंगे, ये भिवंडी का क्लस्टर करेंगे, ये भिवंडी में रास्ते अच्छे करेंगे और भिवंडी जैसा, ठाणे जैसा शहर ये भिवंडी को बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।